हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जियो ने जो अपना नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है जियो मीट, उसे हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, किस तरीके से हम उसे कॉन्फ़िगर करेंगे अपने लैपटॉप में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मुझे जियो एप्लीकेशन क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। तो जियो एप्लीकेशन जो अभी हमने जियो मीट एप्लीकेशन है वो क्या है, हम उसके बारे में जानते हैं। तो जियो मीट एक तरीके से आपको एक वेब कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन है, जो हम लोग जो ऐसे हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं। जैसे आप जूम का नाम सुना होगा आप लोगों ने, गूगल मीट है, सिस्को वेबएक्स है, और उसके बाद अगर और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस है। तो जियो ने अपना अलग से एक एप्लीकेशन लेके आया है जिसको जियो मीट बोलते हैं। तो हम इसे अभी अपने लैपटॉप में कॉन्फ़िगर करेंगे। तो सबसे पहले हम उसकी एक वेबसाइट पे चलेंगे जिसका है geometpro.geo.com। तो जैसे आप यहाँ जाते हैं तो आप अपने वेबसाइट पे देखेंगे, वहाँ पर दिखा है ज्वाइन अ मीटिंग, होस्ट अ मीटिंग, आप साइन अप कर सकते हैं। अगर नए हैं साइन इन कर सकते हैं, अगर आप आपके पास ऑलरेडी आईडी है, आपके पास मल्टीपल के लिए एप्लीकेशन अब मिलता है। जैसे आप ऐप स्टोर में जा सकते हैं, एप्पल के एंड्रॉयड के एप्लीकेशन के लिए है, विंडोज़ के लिए है, ब्राउज़र के लिए है, और आपके मैक ओएस के लिए भी है। तो अभी मेरा जो रिक्वायरमेंट है विंडोज़ ओएस के लिए है, तो मैं विंडोज़ में क्लिक करता हूँ। सबसे पहले एक आपका एक इंस्टॉलर फाइल डाउनलोड होगी, फिर आप उस इंस्टॉलर फाइल को डबल क्लिक करिए। तो एप्लीकेशन यहाँ पर एक चालू होगा डाउनलोड होने के लिए। यहाँ पर देखिए आपको उसका एप्लीकेशन का नाम बता रहा है जियो मीट, उसका वर्जन बता रहा है, एंड आपको सपोर्ट कहाँ से मिलेगा उसकी वेबसाइट बता रही है। ये जानने के बाद हम करते हैं प्रोसीड, और फिर सेटअप को कम से कम 250 MB का रिक्वायरमेंट है, और ये इसकी लोकेशन है सी यूज़र्स के अंदर पे। आप आई एग्री करिए और इंस्टॉल नाउ में क्लिक करते हैं। सो इट विल टेक सम टाइम। तो जब तक ये अभी इंस्टॉल हो रहा है इसको कुछ समय लगेगा, तो हम इसे अभी थोड़ी देर के लिए पॉज कर देते हैं अपने वीडियो को, और अपने वीडियो पॉज करते हैं, और उसके बाद जैसे ही कंप्लीट होता है तो हम वापस से मिलते हैं। और ये मेरा फिनिश होने के कगार पे आ चुका है। तो अभी हम यहाँ से हम एप्लीकेशन को रन भी डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम फिनिश करेंगे और एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। तो जियो मीट ऐप आपके डेस्कटॉप में आ जाएगा, आप उसे डबल क्लिक करिए। कुछ वेरिफिकेशन करने के बाद आपका एप्लीकेशन ऑन होगा। तो अभी जियो मैप चालू हो चुका है आपका जियो ऐप। आप ज्वाइन मीटिंग कर सकते हैं, आपको साइन अप कर सकते हैं, साइन इन कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी लॉगिन आईडी है तो आप साइन इन करिएगा, बट मैं अभी साइन अप करूँगा। सो अपना नाम डालिए, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, देन आपको आपका वर्किंग ईमेल आईडी डालना है। सो मैं अपना वर्किंग आईडी डाल रहा हूँ, जैसे shivbks.shivad@gmail.com। देन साइन अप कर लीजिए। एक एक्टिवेशन मेल आपके आईडी पे गया होगा, तो आप अपने ईमेल में जा सकते हैं चेक करने के लिए। तो जीमेल में जाइए, हम उसे चेक करते हैं कि आया है कि नहीं वेरीफिकेशन मेल। तो देखिए यहाँ पर मेरा पास एक्टिवेट जियो मीट अकाउंट आया हुआ है, आप जाके सिंपली इसको वेरीफाई करिए। वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पर उसको पासवर्ड देना है। तो पासवर्ड आपका अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, मिनिमम 8 कैरेक्टर का, जिसपे एक कैरेक्टर आपको कम से कम अपर केस एक लोअर केस, जिससे आपको सिक्योरिटी मिले। सिंपल पासवर्ड डालेंगे तो इजीली कोई भी इसको हैक कर सकता है। यू हैव टू कन्फर्म पासवर्ड। कंटिन्यू करते हैं ना। अभी हम चलते हैं अपने
या तो आप स्टार्ट मीटिंग कर सकते हो या तो गो टू माई अकाउंट पे चलते हो। तो हम अपने अकाउंट पे चलते हैं। सो अभी ओपन हो रहा है। एप्लीकेशन आ गया है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है। जैसे आपको यहाँ पर प्रोफाइल देखने को मिल रही है। अगर ऊपर साइड जाएंगे तो आपको शेड्यूल मीटिंग, ज्वाइनर मीटिंग, होस्टर मीटिंग मिल जाता है और आप अपनी प्रोफाइल चेक कर सकते हो। अगर आपको प्रोफाइल चेंज करनी तो आप अपनी प्रोफाइल चेंज कर सकते हो। मैं अपने इसमें अपना नाम डाल, अपने चैनल का लोगो डाल रहा हूँ। अंदर इसके बाद ओके कर देते हैं। इस तरीके से हमारा जो जियोमी टैप है उसको हम लोग शेड्यूल कर सकते हैं। ये था हमारा जियोमी टैप का सेटअप प्रोसेस। आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम इसमें वीडियो शेड्यूल करते हैं और उसको यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और नए आए तो इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए और कमेंट भी मेंशन करिएगा कि किस आपको ये एप्लीकेशन कैसा लगा। थैंक यू।